तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गए दोस्तों एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, सेक्टर 20 पंचकुला के बिल्कुल साथ। आपको सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है और गेटेड सोसाइटी मिलने वाली है। आप मेरे पीछे व्यू देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको स्टिल्ट में पार्किंग मिलती है, डेडिकेट स्टोर भी मिल जाता है और दोस्तों 3 फ्लोर मिलते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर है, कोई रश नहीं है, कोई दोस्तों आपको यहाँ पे कंजेशन नहीं होने वाली। तो आप ऐसा घर देख रहे हैं, आपको अलग अलग साइज़ के घर मिलने वाले हैं, 110 गज में, 125 गज में, आपको 150 गज में भी मिल जाएगा। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप अपनी दोस्तों एक बार हमें कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, और अपनी विजिट प्लान करें। तो बिना देरी करें तो चलिए चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो यह है दोस्तों हमारा एक और इंडिपेंडेंट फ्लोर जो आपको मिलने वाला है, बिल्कुल दोस्तों सेक्टर 20 पंचकुला के साथ। एक फ्लोर पे आपको ये दो ही फ्लैट मिलने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, स्टेयर पे भी कितना प्यारा ग्रेनाइट लगा हुआ है। आपको सारी स्टेयर मिलती है स्टील रेलिंग के साथ। और दोस्तों यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसमें आपको रूफ हाइट तो मिलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को भी मिलते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्यूटीफुल हाउस के अंदर। और एंट्रेंस में देखिए, डबल 4 विट्रीफाइड टाइल्स मिलती है, बहुत बड़ा आपको ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। इसका जो साइज होने वाला वो है 20x10 का। देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग में देखिए कितना प्यारा दोस्तों काम कराया गया है, बहुत प्यारी डाउन सीलिंग लग रही है एलईडी लाइट्स के साथ। स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपको हर जगह करके दी जा रही है। और ये देखिए वॉलपेपर भी बहुत ही प्यारा लगा हुआ। आप जैसा घर देख रहे हैं आपको एज इट इज मिलने वाला है। और ये देखिए डाउन सीलिंग में बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छा घर 110 गज में बना हुआ, बिल्कुल सेक्टर 20 पंचकुला के साथ ही आपको मिलने वाला है। आप भी इसको देखना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें। और ये आपकी आ जाती है मॉडुलर किचन, ये आपकी स्पेस आती है रेफ्रिजरेटर के लिए। यहाँ पे भी आपको डाउन सीलिंग विद एलईडी लाइट्स बहुत प्यारी मिलती है। और मॉडुलर किचन ये आपको सारी एज इट इज मिलने वाली है। इसका जो साइज होने वाला है वो है 10x6 का। और इसमें भी आपको गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड मिलती है। और ये सारी दोस्तों मॉडुलर किचन आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ एज इट इज ही मिलने वाली है। तो ये बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्तों डिजाइन करी गई और लाइट कलर थीम रखा गया है व्हाइट के साथ। कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। अगेन इसमें जितनी भी आपको फिटिंग है, जितना भी दोस्तों आपको कुछ सैनिटरी फिटिंग मिलती है, सारी जैकवार ब्रांड की मिलती है। चिमनी की स्पेस मिल जाती है, यूपीवीसी विंडो मिल जाती है आपको, डबल सिंक मिल जाता है। और ये दोस्तों आपको रिवॉल्विंग मिक्सचर भी मिल जाता है। आपको आरओ की, आपको गीजर की प्रोविजनिंग करके दी जा रही है। सारी फिटिंग जितनी भी जैसे मैंने बताया, सारी आपको ब्रांडेड जैकवार ब्रांड की मिलती है। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है पहला बेडरूम। और इस बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 11x10 का। तो बहुत अच्छे साइज का बेडरूम मिलता है। और डाउन सीलिंग देखिए एलईडी लाइट्स के साथ बहुत ही प्यारी मिलती है। स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपको पूरे घर में मिलती है। और यहीं पे आपको मिल जाते हैं हमारे दोस्तों कबर्ड। कबर्ड आपको दो मिलते हैं बहुत प्यारे, आपको स्लाइडिंग के साथ मिलते हैं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ पूरे रूम का व्यू। ये आपको यूपीवीसी विंडो मिलती है, जो फ्रंट हमें बालकनी मिल जाती है। और ये हमारे मिल जाते हैं कबर्ड जो कि स्लाइडिंग के साथ मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बड़े साइज के आपको कबर्ड मिलते हैं। और इसी के साथ आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का। बहुत प्यारी आपको वैनिटी, आपको जितनी भी दोस्तों ये देखिए डाउन सीलिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। और जितनी भी फिटिंग है, वॉल हैंग सीट है, सारी आपको जैकवार ब्रांड की मिलती है। नीचे एंडिस की टाइल्स मिल जाती हैं। और दोस्तों बहुत ही प्यारी लग रही वैनिटी। तो आप भी ऐसा कर दोस्तों, बहुत अच्छा बना हुआ, वॉशरूम बहुत प्यारे हैं, सारे ब्रांडेड आपको यूज करे गए मटेरियल मिलते हैं। और यूपीवीसी भी आपको दोस्तों मिलता है, साउंड प्रूफ मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में बालकनी मिल जाती है। बालकनी का जो साइज होने वाला वो है 11x4.6 का। और यहीं पे आपको दोस्तों आपका सिलेंडर की प्रोविजनिंग करके दी है, सिलेंडर आपका यहाँ आ जाएगा। और ये देखिए आमने सामने पूरी एस्टेब्लिश सोसाइटी है, आपको ऐसे इंडिपेंडेंट फ्लोर मिलते हैं। हाई राइज नियर दोस्तों, तो एक व्यू, एक वेंटिलेशन अच्छा बना रहता है। तो ये आपने व्यू देखा हमारे पहले बेडरूम का। तो चलिए चलते हैं सेकंड बेडरूम में और आपको दिखाता हूँ हमें सेकंड बेडरूम में क्या क्या मिलने वाला है। ये सामने आ गए हमारे दोनों बेडरूम। तो पहले हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं। सेकंड बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 11.6x10 का। तो ये देखिए डबल 4 विट्रीफाइड टाइल्स के साथ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा डिजाइन दिया गया इसको। डाउन सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ ये आपको वॉलपेपर मिल जाता है, आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और अगेन दोस्तों आपको बहुत प्यारा वॉलपेपर, यूपीवीसी भी मिल जाता है आपको इसमें।
और यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल भी बना के दिया जा रहा है और आपके वार्डरोब भी दोस्तों मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छे है, आपको ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी दोस्तों स्टोरेज मिल जाती है और इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, जो कि हमारे माताओं और बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेकअप का बहुत सारा ऐसा सामान होता है जितनी जगह वो कम पड़ जाती है, बट यहाँ पे आपकी जगह कम नहीं पड़ने वाली, बहुत ज़्यादा भर भर के आपको स्टोरेज मिलती है। ये देखिए स्लाइडिंग के साथ ये भी कवर्ड आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छा दोस्तों डिज़ाइन किया गया। और यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपकी रियर बालकनी का भी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा वॉशरूम। और वॉशरूम का जो साइज होने वाला अगेन 6x5 का, बहुत बड़ी बड़ी 4x2 की टाइल्स लगी हुई हैं। अगेन इसमें डाउन सीलिंग आपको मिल जाती है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, वॉल हैंग सीट, आपकी वैनिटी विद स्टोरेज मिल जाता है। सारी फिटिंग दोस्तों अगेन आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया जैकोर ब्रांड की ही मिलने वाली है। तो बहुत प्यारे दोस्तों वॉशरूम, और चाहे वो आपका शावर है, मिक्सर है, सब कुछ आपको जैकोर ब्रांड का ही मिलने वाला है। आपको बहुत बड़ी विंडो भी इसमें वेंटिलेशन के लिए मिलती है, और दोस्तों यहीं से आपको एक्सेस मिल जाता है हमारी रियर बालकनी का भी। तो रियर बालकनी आपको मैं दिखाता हूँ, इसका जो साइज होने वाला है वो है 8x3.6 का जो रियर बालकनी आपको मिलती है UPVC के साथ। और प्लस पॉइंट देखिए दोस्तों, ये आपको बोथ साइड ओपन फ्लैट मिलता है, इसके पीछे कोई आपका घर नहीं आने वाला। ये देखिए बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा व्यू है, और यहाँ पे आपको टैप की फ्यूजनिंग मिल जाती है। यहीं पे आपको दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन और दोनों वॉशरूम की वेंटिलेशन मिलती है, और दोनों बेडरूम से आपको रियर बालकनी का एक्सेस मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत रियर इन्वेंट्री में होता है। तो आप भी ऐसा घर देखना चाहते हैं जो बोथ साइड ओपन है और आपको फर्स्ट फ्लोर वालों को भी रूफ राइट मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप भी इसको एक बार जरूर देखें, विजिट करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, और इसी के साथ हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। और जो हमारा थर्ड बेडरूम का साइज होने वाला है वो है 11.6x10 का, अगेन बहुत अच्छे साइज का, बहुत बड़ा आपको बेडरूम मिलता है। अगेन 200 डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं, टीवी पैनल आपको एज इट इज मिलता है, स्प्लिट एसी प्रिज्म मिलती है, डाउन सीलिंग विद LED लाइट्स मिल जाता है, रियर वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है, और अगेन दोस्तों स्लाइडिंग के साथ आपको वार्डरोब भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छे दोस्तों, इस रूम में भी आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाती है ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी और पीछे भी, और वार्डरोब दोस्तों अगेन बहुत अच्छे आपको स्लाइडिंग के साथ मिल जाते हैं। तो बहुत प्यारा दोस्तों डिज़ाइन फॉलो करा गया है, और सारा कुछ इसमें ब्रांडेड यूज़ करा गया है, ताकि आपका सपनों का घर दोस्तों सबसे प्यारा बन सके। ये देखिए TV पैनल बहुत प्यारा है, स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग है, और अगेन इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसका साइज होने वाला है 6x5 का। तो अच्छे साइज का आपको वॉशरूम मिलता है, नीचे आपको एंटीस्किड टाइल मिलती है, वैनिटी मिल जाती है, वॉल हैंग सीट मिल जाती है, मिक्सर शावर, सब कुछ अगेन आपको जैकोर ब्रांड का ही मिलने वाला है। तो आप भी दोस्तों बहुत प्यारा घर बना हुआ, बोथ साइड ओपन विद रूफ राइट मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा टॉप फ्लोर वाले को तो रूफ मिलते ही हैं, और इसमें आपको सेकंड फ्लोर वाले को भी रूफ मिलते हैं, क्योंकि स्टिल्ट में आपको पार्किंग है, ऊपर 3 फ्लोर हैं। तो बहुत अच्छा मेरे को ये भी दोस्तों इनिशिएटिव लगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा, क्योंकि नॉर्मली सेकंड फ्लोर वालों को रूफ राइट नहीं मिलते, यहाँ पे आपको वो भी मिलने वाले हैं। तो बहुत प्यारा दोस्तों पैटर्न फॉलो करा गया है, ये वही वाली बालकनी है जो मैंने आपको अभी सेकंड रूम से दिखाई थी, वही 8x3.6 की आपको ये इसमें भी बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग भी मिलती है, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने हमारा 3BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर जो आपको मिलने वाला है, बिल्कुल सेक्टर 20 पंचकुला के साथ पीर मुशल्ला में, स्टिल्ट में आपको पार्किंग मिलती है, साथ में स्टोर भी मिल जाता है, और क्या चाहिए दोस्तों। तो बहुत अच्छा दोस्तों ये डिजाइन बन जाता है, आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और दोस्तों अब आपका प्यारा चैनल, आपको हमारे फेसबुक पेज मिल जाएगा, हमारा इंस्टा पेज मिल जाएगा, उसको जरूर फॉलो करें, और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, और जितना हो सकता है दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स साथ जरूर शेयर कर दें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के लिए, तब तक आप देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।